नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत आप सभी का बाजार शास्त्र में। मैं हूँ प्रियंका उप्पल आनंद। और कई बार ये कहा जाता है कि चाहे आपका व्यवहारिक जिंदगी हो या फिर व्यवसायिक हो, यानी प्रोफेशनल हो या पर्सनल हो, बिहेवियर या फिर राइट एटीट्यूड होना बहुत जरूरी है। क्या स्टॉक मार्केट में भी किसी तरह के बिहेवियर की बात का ध्यान रखना चाहिए, यानी कोई बेसिक एट्रीब्यूट्स होने चाहिए एक अच्छे ट्रेडर में, ये जान लेते हैं। हमारे साथ हमारे शो के एक्सपर्ट सुनील मिगलानी बने हुए हैं। सुनील, बहुत बहुत स्वागत है आपका। पिछले एपिसोड में भी हमने बात की थी कि ट्रेडिंग के लिए कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट्स की ज़रूरत होनी बहुत ज़रूरी है। क्या ये थियोरेटिकल ही है सिर्फ, या फिर बिहेवियरल वाइज भी कह रहे हैं आपके एट्रीब्यूट्स होने चाहिए? देखिए, हमने लास्ट टाइम भी बोला था कि ट्रेडिंग जो है वो बाहर से जैसा दिखता है उतना ईजी है नहीं एक्चुअली, क्योंकि ट्रेडिंग के अंदर काम आपको जितना बाहर करना पड़ता है उससे ज़्यादा काम अपने पे करना पड़ता है। जो लोग सोचते हैं बाहर से टिप्स लेके, हमने लास्ट टाइम भी बात किया था कि मैं यहाँ से सुन लूँगा, वहाँ से सुन लूँगा, मुझे एक्सपर्ट बता देंगे तो मैं काम कर पाऊँगा, मैं पैसा बना पाऊँगा, लेकिन एक्सपीरियंसेस आप उनके सुनेंगे तो आपको मालूम चलेगा कि वो पैसा नहीं बना पाए। उसके पीछे रीज़न क्या है? हमने लास्ट टाइम भी बात किया था कि ट्रेडिंग में आपको काम अपने आप पर करना पड़ता है। यहाँ पे मैं एक स्टोरी से जो है स्टार्ट करना चाहता हूँ। एक लेडी था, उसका शादी हुआ 6 बार और 6 बार डाइवोर्स हो गया। तो वो लेडी बहुत परेशान हुआ कि ये दिक्कत समझ में नहीं आया। अभी हर बार वो लेडी नया आदमी चुनती थी, पहले वाली गलतियाँ को ना दोहराऊँ ऐसा सोचती थी, इस बार जो पहले वाले में दिक्कत थी वो अगली बार में ना हो ऐसा सोचती थी, लेकिन अगली बार फिर वही होता था उसके साथ, हर बार वही होता था और 6 बार कॉन्टिन्यूसली उसका डाइवोर्स हुआ। यानी कोई एक ऐसी गलती थी जो वो बार बार कर रही थी। ऐसी गलती नहीं थी, वो हर बार ध्यान रखती थी कि मैं ऐसा ना करूं, लेकिन 6 बार अलग अलग चीज़ें हुई उसके साथ। उसके बाद उसने किसी से पूछा कि मुझे ये समझ में नहीं आया कि 6 बार मेरी मैरिज हुई, 6 बार मेरा डाइवोर्स हुआ, ऐसी क्या दिक्कत है? तो उस आदमी ने उसको बोला कि 6 बार जो लड़का है को किसने चुना? उसने कहा 6 बार मैंने चुना। बोला दिक्कत आप हो इसका मतलब। यानी आप कुछ ऐसा गलती हर बार कर रही हो, अनइंटेंशनली कर रही हो, जो आपको भी नहीं पता। आप वही चीजें करते हैं जो आपके बिहेवियर में होती हैं। उसने उनको बोला कि आप हर बार अपने जैसा जैसा आपको चाहिए वैसा लड़का ढूंढ लेते हो, इस बार आप एक काम कीजिए, जो ढूंढने का जिम्मेदारी किसी और को दे दीजिए। तो उस बार उसने जो ढूंढने का रिस्पॉन्सिबिलिटी किसी और को दिया और उनका मैरिज ठीक चला, मतलब दैट वर्क्ड आउट। तो यहाँ पे भी हम वही बात कह रहे हैं, एक्चुअली लोग सोचते हैं कि मुझे टिप सही नहीं मिला, मेरा एनालिसिस गलत है, मुझे बताने वाले गलत हैं, एक्सपर्ट झूठ बोल रहे हैं, लेकिन प्रॉब्लम वो खुद हैं। ट्रेडिंग में जितना काम आपको बाहर से लेना पड़ता है, आपको इन्फॉर्मेशन लेना है, हर आदमी एनालिस्ट नहीं बन सकता। आप बाहर से टिप्स भी लेते हैं, आप बात भी सुनते हैं, लेकिन उसको अप्लाई करने में जो एक एफिशिएंसीज चाहिए वो आपके बिहेवियर का पार्ट होती है। राइट, हम यहाँ वो बात कर रहे हैं और इसको हम थोड़ा एक्सप्लेन में बताएंगे कि एक्चुअली हमारे बिहेवियर की बेसिक प्रॉब्लम्स जो हैं वो एक अच्छा ट्रेडर बनने से हमें रोकती हैं। एक अच्छे ट्रेडर में बहुत सारे गुण होते हैं जो कि अनइंटेंशनली उसमें आ जाते हैं, मार्केट के साथ रह रहे के, मार्केट के साथ बिहेव कर करके, ट्रेडिंग कर करके। और ये ट्रेडिंग, ये जो गुण बता रहे हैं आप, ये आम जिंदगी में ही हम पा सकते हैं? आम जिंदगी में ही होते हैं, बिहेव हमारा ही है। बिहेवियर के देखिए, हम जब भी काम की बात करते हैं, किसी व्यापार की बात करते हैं, तो दो ही बातें सुनने में आती हैं कि ग्रीड एंड फियर। लेकिन ग्रीड एंड फियर से अलग भी बहुत सारे इमोशन हैं जो कि एक्चुअली हमें ट्रेडिंग करने में बहुत सहायता करते हैं, अगर हमें वो ना हो तो हम नहीं कर पाएंगे जी। उसमें पहला बिहेव है ईगो। ईगो, ईगोइस्टिक प्रॉब्लम एक ऐसी प्रॉब्लम है जिसको हर ट्रेडर रियलाइज नहीं कर पाता, लेकिन वो रोज इससे उलझता है। एक अच्छे ट्रेडर में आपको कभी भी ईगो नहीं मिलेगा। यानी ईगो, आप क्या कह रहे हैं, मतलब एक ट्रेडर की ये ईगो कि 200 में अगर मैंने ये स्टॉक खरीदा तो मैं 210 में ही निकलूंगा, क्या ये ईगो है? नो, ईगो क्या है, मैं आपसे पूछता हूँ, ईगो क्या है? सबसे बड़ा ईगो हमारे सामने जो होता है कि जानते हैं मैं कौन हूँ, आप जानते हैं मैं क्या हूँ, यू नो व्हाट आई एम। देखिए, आपकी गाड़ी किसी से ठोकर लगता है तो आपकी आंखें उससे पूछती हैं, जानते हो मैं कौन हूँ? मतलब आप अपनी गलती नहीं मानना चाहते। जानते हैं मैं कौन हूं से आप ये बताना चाहते हैं, मेरा पैसा पता है, मेरा पोस्ट पता है, वही जिद हम मार्केट से लगाते हैं। जानते हो मैं कौन हूं, देखता हूं मैं कितना गिरेगा मैं फिर भी लूंगा, देखता हूं मैं कितना ऊपर जाएगा मैं फिर भी शॉर्ट करूंगा। मार्केट में जो अच्छा ट्रेडर होता है ना प्रियंका जी,
वो धीरे धीरे ये ईगो छोड़ देता है, एक्चुअली छोड़ नहीं देता, उसे छूट जाती है। मार्केट हर रोज आपको रियलाइज कर, आपको रियलाइज मतलब होने देती है कि यू आर नथिंग, आप कुछ नहीं हो। मार्केट आपको रोज ओबलाइज करती है, रोज सिखाती है और आपको रोज ये बताती है कि आप कुछ नहीं हो। आप कहां तक लोगे स्टॉक उससे नीचे जाएगा, आप कहां तक बेचोगे स्टॉक उससे ऊपर जाएगा, आप क्या करोगे। तो धीरे धीरे एक अच्छा ट्रेडर मार्केट के साथ रह रहे के बिहेव कर करके ईगोलेस हो जाता है। राइट, तो आप में ये ईगो नहीं होनी चाहिए, पहला ट्रेड है एक अच्छे ट्रेडर बनने का, पहला गुण है। एक अच्छा ट्रेडर ऑटोमेटिकली उसमें ईगो खत्म हो जाता है। सेकंड पॉइंट आता है डिसिप्लिन। डिसिप्लिन एक बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है जो कि नॉर्मल लाइफ में हमारे लोगों में कई बार नहीं होता। कुछ चीज़ें हम बहुत ही अनडिसिप्लिन वे में कर देते हैं, लेकिन मार्केट को डिसिप्लिन पसंद है, मार्केट इनडिसिप्लिन आदमी को पसंद नहीं करती। आपको पता होना चाहिए मुझे कितनी क्वांटिटी में काम करना है, मुझे ट्रेड कहाँ लेना है, मेरा प्रॉफिट कितना आना चाहिए, मुझे लॉस कहाँ काटना है, हर चीज़ एक रूल बुक आपकी अपने लिए होनी चाहिए। ये सब चीज़ें उनके अलावा हैं। अगर आपको बाहर से टिप मिल गया, सुन लिया, उसके अलावा आपको इन सब चीज़ों को फॉलो करना पड़ेगा, और अगर आप नहीं करते हैं तो मार्केट एक दिन आपको बाहर निकाल देगी। आपको करना ही पड़ेगा, कोई एक्सक्यूज नहीं है। शिष्टाचार तो हर एस्पेक्ट में होना चाहिए, यानी डिसिप्लिन तो आपको हर फील्ड में होना चाहिए, हर रिलीम ऑफ लाइफ में होना चाहिए, और ट्रेडिंग में भी एक ट्रेडर को डिसिप्लिन होना बहुत जरूरी है। उसका और उसके बाद और क्या गुण होंगे? एक्सेप्ट योर मिस्टेक्स, अपनी गलती को स्वीकारना। सबसे मुश्किल काम है एक्चुअली दुनिया में, अपनी गलती को स्वीकारना। हम एक्चुअली होता क्या है कि हर बार दूसरे पे नाम लगा देते हैं। आप भी देखिए अपने लाइफ में जो भी गलती अगर हुआ भी है, हम कोशिश करते हैं हम किसी और पे नाम डाल दें उसका, हम कोशिश करते हैं हम बाहर आ जाएं उस पे नाम डाल दें। लेकिन मार्केट आपको यहाँ पे वो सिखा देती है कि आपकी गलती है, आपको एक्सेप्ट करनी पड़ेगी, अगर आपने एक्सेप्ट नहीं की तो आप बाहर। स्टॉप लॉस क्या है? गलती को एक्सेप्ट करना, बिल्कुल गलती को मानना, एक्सेप्ट करना। जैसे जैसे आप स्टॉप लॉसेस काटते हैं, लॉस वाले ट्रेड से बाहर निकलते हैं, एक लॉस वाले ट्रेड से आप बाहर निकले, आपने एक गलती मानी। आप ऐसे गलतियां मानते मानते एक अच्छे ट्रेडर की कैटेगरी में पहुंच जाते हैं। और यहां हम जो बात कर रहे हैं, अच्छे ट्रेडर में ये गुण होते हैं, यानी गलती से आपसे ट्रेड कभी गलत चुना जा सकता है, लेकिन अपनी गलती को मान लीजिए, स्टॉप लॉस तुरंत फॉलो कर लीजिए, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट ट्रेड है। और ये मार्केट में जब आप काम करते हैं तो मार्केट में काम करते करते आपकी लाइफ में जो बाकी लाइफ है मार्केट से बाहर, उनमें भी ये गुण आपके ऑटोमेटिकली आने शुरू हो जाएंगे। आप अपनी गलती को फटाफट एक्सेप्ट करेंगे, मान लेंगे। एक पॉइंट और है, एंगर, गुस्सा। हमें गुस्सा बहुत जल्दी आ जाता है किसी बात को लेकर। एक अच्छे ट्रेडर में, जो एक अच्छा ट्रेडर होगा एक्चुअली 5-7 साल 10 साल से अगर ट्रेडिंग कर रहा है, उसमें गुस्सा खत्म हो जाएगा। मार्केट में आप जब काम करते हैं, रोज आपको गुस्सा आता है, देखिए क्यों ऊपर चली गई, क्यों नीचे आ गई, क्या हो गया, बताइए, अच्छा भला ठीक था, वो ऊपर गिर गया, वहां से वो गिर गया, डाउ गिर गया, मतलब वो प्रिपेयर्ड रहता है हर चीज के लिए, प्रिपेयर होता है वो, वर्स्ट के लिए प्रिपेयर्ड रहता है। उसको गुस्सा आना बंद हो जाता है, एंगर करना बंद हो जाता है, उसको मालूम होता है सब कुछ पार्ट ऑफ द गेम है, ये भी हो सकता है, वो भी हो सकता है। हर सिचुएशन के लिए प्रिपेयर अगर आप होंगे तो आपको गुस्सा आएगा ही नहीं कभी भी। गुस्सा आपको आता तभी है जब आप किसी खास सिचुएशन के लिए अनप्रिपेयर्ड होते हैं। इसके अलावा एक बहुत बड़ा पॉइंट है पेशेंस। जो लोग यहाँ एडवेंचर की खोज में आते हैं ना, उनको सबसे बड़ा प्रॉब्लम होता है, क्योंकि वो यहाँ वीडियो गेम खेलने आते हैं, सिक्का डाला, गेम खेली, गए पैसे। यहाँ पे पेशेंस रखनी होती है। दुनिया का सबसे बोरिंग काम है ये। लोग सोचते हैं यहाँ पर बड़ा कुछ हो रहा है, दुनिया में बहुत कुछ लग रहा है, फटाफट पैसे कमा लूंगा, मुनाफा कमा लूंगा। बोरिंग काम है ये। यहाँ पर आपको ट्रेड डालना होता है, उस पर वेट करना होता है, आपको मार्केट आपका पेशेंस टेस्ट करता है, हर पल आपका पेशेंस टेस्ट करता है। आपने ट्रेड डाल लिया, उसको जाने में ऊपर 2 महीने भी लग सकते हैं, 3 महीने भी लग सकते हैं, कई बार 6 महीने भी लग सकते हैं, आपको पेशेंस रखना होता है। तो मार्केट के साथ बिहेव कर करके रह रहे के धीरे धीरे आपकी बाकी लाइफ में भी वो पेशेंस वाला जो एक है वो आ जाता है। धीरे धीरे आप बाकी लाइफ में भी पेशेंट हो जाते हैं, आपको समझ आना शुरू होता है। टाइम का बहुत पंचोल होना पड़ता है, टाइम का बहुत पंचोल। तो जो अच्छा ट्रेडर मिलेगा ना, वो आपको लगभग ऐसा मिलेगा जो टाइम का बहुत पंचोल है। एक तो सुबह 9 बजे मार्केट खुलता है, सबसे पहले आपको आना पड़ता है अगर ट्रेड पड़ा हुआ है तो। राइट, आना पड़ेगा आपको तैयार होके, सारे काम छोड़ के सिर्फ वहां फोकस, सिर्फ आपको फोकस। अगर आपकी कोई ट्रेड ऐसा है जो मार्केट की किसी सिचुएशन के अगेंस्ट है, तो आपको काटना पड़ेगा वो ट्रेड। तो इसलिए टाइम का आपको बहुत पंचोल होना पड़ता है। एक यहाँ ड्यूल पर्सनैलिटी, आपको दो पर्सनैलिटी अपने अंदर रखना पड़ता है।
वो बहुत मुश्किल काम है एक्चुअली। हम लोग क्या एक ही तरह से बिहेव करना जानते हैं। मार्केट में दो चीजें होती है, मार्केट ऊपर भी जा रहा है नीचे भी आ रहा है, बुल और बियर। तो बुल और बियर दोनों आपके अंदर होने चाहिए, एक अच्छे ट्रेडर का गुण है ये। जितनी इंटेंसिटी से किसी चीज को आप खरीद रहे हैं आप में, उसको उतनी ही इंटेंसिटी से बेचने की ताकत होनी चाहिए, अगर आपको लगे कि साइकिल चेंज हो रहा है तो। ये नहीं है कि आप इमोशनल नहीं कि नहीं नहीं रिलायंस तो बहुत अच्छी कंपनी है सर, देखिए दोनों भाई कितने अच्छे, कुछ नहीं है इमोशनलेस। राइट, यानी अगर आप चार दिन रिलायंस में प्लस करते हैं, उसे प्लस करके चलते हैं, पांचवें छोटे दिन अगर आपको बेच के चलना हो तो वो भी करना होगा, अन इमोशनल होना चाहिए, ये पिछले एपिसोड में भी डिस्कस कर चुके हैं। और क्विक होना चाहिए आपको, क्विक डिसीजन लेना है आपको। देखिए ये सब बातें जो है छोटी छोटी बातें हैं, लेकिन आपके लाइफ के साथ जुड़ी हुई बातें हैं, ये सब छोटे छोटे बिहेवियर हैं। ये मार्केट के साथ जब आप बिहेव करते हैं, रोज ट्रेड करते हैं, तो ये बिहेवियर में आपकी चीजें आ जाती हैं। सोचे समझी मूव तो होनी चाहिए, लेकिन डिसीजन फटाफट क्विक लेना है। मूव आपको सोचना है, आपको पहले अपने घर का होमवर्क करना है, स्टॉक के बारे में एनालिसिस करना है, लेकिन डिसीजन वहां पर आपको टाइम नहीं मिलेगा। मार्केट आपको रुकेगा नहीं कि ठीक है सर आप सोच लीजिए फिर मैं आ जाऊंगी, नहीं, आपको उसी समय डालना है ट्रेड अगर आपका रेट आ गया है तो। राइट, उस समय आपको कहीं किसी पूछने जाने का समय नहीं मिलेगा। यानी ये सारे पॉइंट्स पे बात की हमने, लेकिन लास्ट बट नॉट द लीस्ट उसे हम्बल भी होना चाहिए। हम्बल होना चाहिए, हम्बल इस वे में होना चाहिए कि मार्केट से जो मिला है, जो हमने एफर्ट किए हैं और हमें कुछ उसके मिला है, हम हम्बली उसको एक्सेप्ट करें। ये नहीं कि मैंने किया है, मुझे मिला है, मैं ये हूं, मैं वो हूं। सबसे मुश्किल काम है आपकी अपनी मैं को मारना, जिसको हमने पहले भी बात किया, ईगो। जी, यानी ये तमाम सारे ट्रेड्स हैं, ये तमाम सारे गुण हैं जो हर इंसान में तो होने चाहिए, लेकिन एक ट्रेडर में भी जरूर होने चाहिए। ये हम नहीं सोच सकते कि सिर्फ शायद टेक्निकल नॉलेज से, बेसिक प्रिंसिपल्स जान के, इन्फॉर्मेटिव सोर्सेज से इन्फॉर्मेशन होने के बाद आप अच्छी ट्रेडिंग ट्रेडर बन सकते हैं, अच्छी ट्रेडिंग कर सकते हैं। आप में ये गुण, ये बिहेवियर्स, ये एट्रीब्यूट्स जरूर होने चाहिए। फिलहाल वक्त एक छोटे से ब्रेक का, जल्द वापस हाजिर होंगे और ये भी जानेंगे कि क्या ये सब चीजें क्रैश कोर्स से सीखी जा सकती हैं। बने रहे हमारे साथ। के बाद एक बार फिर आपका स्वागत है, आप देख रहे हैं बाजार शास्त्र। और फिलहाल अभी हम यहाँ बात कर रहे थे कि कुछ खास गुण होने चाहिए, एक राइट एटीट्यूड होना चाहिए एक अच्छे ट्रेडर बनने के लिए, लेकिन क्या ये सब चीजें क्रैश कोर्सेस से सीखी जा सकती हैं? सुनील, कई बार हम सुनते हैं लोग टेक्निकल कोर्सेस करते हैं, क्रैश कोर्सेस 3 महीना, 6 महीना, साल, क्या लेकिन ये सारी चीजें सीखी जा सकती हैं? नहीं, क्रैश कोर्सेज से, अब क्रैश कोर्सेज एक्चुअली वो 2 महीने, 3 महीने, 4 महीने वाले कोर्सेज सीख सकते हैं, लेकिन आपको जो सिखाने वाले लोग हैं वो ट्रेनर होने चाहिए, टीचर नहीं। क्या फर्क है दोनों में? टीचर होता है आपको क्लास में सिखाता है, ट्रेनर होता है आपको मार्केट में सिखाता है। ट्रेनिंग जो है अलग चीज़ है। आप स्विमिंग सीखने जाते हैं, अगर मैं आपको कहूँ मेरी क्लासरूम में आइए मैं आपको स्विमिंग सिखाऊंगा, इज इट पॉसिबल? आप बुक्स पढ़ के स्विमिंग थोड़ी सीख सकते हैं। स्विमिंग सीखने के लिए आपको पूल में जाना पड़ेगा, पूल में ट्रेनर होता है, टीचर नहीं होता। दोनों चीज़ों में फर्क है। आप बुक्स पढ़ के स्विमिंग करना नहीं सीख सकते, आपको बुक्स पढ़ के स्विमिंग के बारे में सब कुछ पता चल जाएगा, सिर्फ स्विमिंग के अलावा। सिर्फ स्विमिंग नहीं आएगी आपको, बाकी आपको स्विमिंग के बारे में हर चीज़ मालूम चल जाएगी। मार्केट में भी ऐसे ही है, बहुत से लोग सोचते हैं हम यहाँ वेबसाइट पढ़ लेंगे, हम 4 किताबें पढ़ लेंगे, हमें बहुत सारी हमारे पास बुक्स हैं सर, हमें बहुत सारी नॉलेज है। वो जब लेकिन मार्केट में आते हैं वो सारी नॉलेज एक मिनट में साफ हो जाती है, क्योंकि स्विमिंग किताबें पढ़ के सीखना और पानी में उतरते ही सारी किताबें धुल जाती हैं। यानी आप बेसिक प्रिंसिपल सीख सकते हैं, आप टेक्निकल चीज़ें सीख सकते हैं कि ये ट्रेंड है, ये अप ट्रेंड है, ये डाउन ट्रेंड है, ये कैंडल स्टिक्स हैं, ये बार्स हैं, लेकिन जो एक राइट बिहेवियर चाहिए आपको, रोज़मर्रा का एक प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस चाहिए, वो अपने एक्सपीरियंस से ही आएगा आपको। बिल्कुल, आपको अपने एक्सपीरियंस से आएगा, आपको मार्केट में ट्रेड करके आएगा, आपको मार्केट में जाना पड़ेगा, आपको ट्रेडिंग करना पड़ेगा, आपको वो सिखाया जाएगा कि आप ट्रेडिंग कैसे की जाए। बेसिक चीज़ें हो सकता है आपको थोड़ी बहुत मालूम चल जाए किताबें पढ़ के, लेकिन उनसे आप ट्रेड नहीं कर सकते। ट्रेड करना बिल्कुल अलग चीज़ है। मैंने एग्जांपल दिया छोटा सा ना स्विमिंग का, आप स्विमिंग कैसे कर सकते हैं? स्विमिंग करने के लिए आपको स्विमिंग पूल में जाना पड़ेगा। तो क्या क्रैश कोर्सेस नहीं लेने चाहिए आप कह रहे हैं? नहीं, क्रैश कोर्सेस लेने चाहिए, लेकिन बेसिक थ्योरी के लिए सिर्फ, बाकी प्रैक्टिकली आपको मार्केट में जाना ही पड़ेगा उसके मतलब लिए। आप क्रैश कोर्स सिर्फ उस पर डिपेंड नहीं हो सकते। No. आप प्रिंसिपल सीख सकते हो, टेक्निकल नॉलेज ले सकते हो, लेकिन उसके बावजूद भी आपको अपने पर काम फिर भी करना होगा, बिल्कुल, एक अच्छे ट्रेडर बनने के लिए। बिल्कुल, इसी तरह से बहुत सारे क्वेरीज हमारे पास हमारे व्यूवर्स की भी आ रही है, व्यूवर पार्टिसिपेशन भी हमने शुरू कर दिया, और अपने उन व्यूवर्स को भी एक बार फिर याद दिला दें कि अगर आप भी हमारे शो से जुड़ना चाहते हैं, हम तक कोई सवाल अपना भेजना
चाहते हैं, किसी बात ऐसी, किसी ऐसे लॉजिक को समझना चाहते हैं, तो आप हमें bazaarshastra@znetwork.com पर ईमेल कर सकते हैं, लेकिन अपनी पूरी कॉन्टैक्ट डिटेल्स जरूर लिखें हमारे पास। और इसी के साथ हमारे साथ एक व्यूवर भी हमारे साथ जुड़ेंगे फोन लाइन पर। हमारे साथ जी प्रभाकर हैं, प्रभाकर सिंह हैं दिल्ली से फोन लाइन पर। जी प्रभाकर जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। देखिए, हम लोग जब शेयर मार्केट में इन्वेस्ट की बात करते हैं तो अखबारों के माध्यम से या कभी चैनलों पे देखते हैं, तो इन्वेस्टमेंट करने से पहले ये बातें आती हैं कि होमवर्क कर लो। तो वो होमवर्क कौन सा होगा जी, यानी क्या होमवर्क होना चाहिए? बहुत बहुत अच्छा सवाल है इनका, शुक्रिया सवाल पूछने के लिए। आप बने रहे फोन लाइन पर, इनफैक्ट आप सुनील से खुद ही आंसर जान सकते हैं। सुनील, जिस तरह से वाकई ये बात तो बिल्कुल इन्होंने वैलिड पॉइंट उठाया है, हम भी कई बार शो में कह रहे हैं कि कुछ होमवर्क करना होगा, लेकिन होमवर्क होगा क्या? देखिए, होमवर्क वर्ड में आप अगर स्कूल में जाते थे तो वहां आपको कहा जाता था होमवर्क करके आइए। तो होमवर्क करने से पहले आपको स्कूल जाना तो जरूरी है, ये तो पक्की बात है। मार्केट में अगर आप हैं तभी आप आके होमवर्क करेंगे। मार्केट में आप कुछ देख के आएंगे, उसके बाद आप उसका होमवर्क करेंगे, यानी कि आप पहले स्कूल जाते हैं, फिर स्कूल में आपको कुछ काम मिलता है, उसको आके आप जो है घर पे करते हैं। होमवर्क करने का मतलब यह है कि आप एक स्टॉक को वॉच करते हैं, एक स्टॉक को लेना चाहते हैं, उसमें इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं, ट्रेडिंग करना चाहते हैं, तो कम से कम आप एनालिस्ट नहीं है, और हर आदमी एनालिस्ट नहीं हो सकता है, आप एनालिस्ट की बात भी सुन सकते हैं, लेकिन कुछ ना कुछ बेसिक काम आपको उसके अलावा भी करना पड़ेगा। आप उसकी बात सुन रहे हैं कि उसने बोल दिया ये वाला स्टॉक ले लीजिए, आप उस स्टॉक को कम से कम घर आके देखिए कि उसका ट्रेंड क्या है, वो किस तरह से बिहेव कर रहा है, उसने लो क्या लगाया है, हाई क्या लगाया है, किसी ऐसे फेज में तो नहीं है वो कि मुझे यहां लेने के बाद ज्यादा वेट करना पड़ सकता है, कहीं बॉटमिंग आउट में ना हो, कहीं टॉपिंग आउट में ना हो। एक बेसिक नॉलेज आपको कम से कम होनी चाहिए। एनालिस्ट आप नहीं बनेंगे, लेकिन कम से कम कुछ होमवर्क, उस पैसा लगा रहे हैं आप उस स्टॉक के लिए जी। आज आप सब्जी लेने के लिए जाते हैं, मैं आपको कहता हूं कम से कम मालूम होना चाहिए। आप कहते हैं कोई जरूरत नहीं, लेकिन वहां पर जाके चार लोगों से बहस करते हैं ये आलू अच्छे नहीं है, ये सेब अच्छे नहीं है, करते हैं ना अपना काम, पैसा लगा रहे हैं वहां पर। आप 100 रुपए किलो चीज ले रहे हैं, उसमें आप इतनी बहस कर रहे हैं, यहाँ पर आप अपने पैसे लगाते हैं 20,000, 50,000, 5 लाख, यहाँ पर आप कम से कम इतना भी नहीं पूछेंगे कि सर मैं क्यों लगाऊं। यहाँ लोग सुनते हैं चुप करके, पैसा लगा देते हैं, यानी आंख बंद करके आप अपना पैसा नहीं लगा सकते हैं। आपने सुन ली एडवाइस अखबारों के माध्यम से या टीवी पे बोल रहे हैं एनालिस्ट, किसी भी चैनल पे बोल रहे हो, वहां आपको ये जरूर रखना होगा कि उस स्टॉक के बारे में एग्जांपल अगर इंफोसिस किसी ने रिकमेंड किया किसी एनालिस्ट ने, घर जाकर आपको ये तमाम सारी रिसर्च करनी होगी। ये भी देखना होगा कि कोई ऐसा न्यूज फ्लो अभी करंट सिनेरियो में प्रिवेल तो नहीं कर रहा जिसकी वजह से स्टॉक में शायद करेक्शन आ जाए, कहीं रुपी अप्रिशिएट ना कर रहा हो, कहीं ना कहीं आईटी सेक्टर के लिए कोई नेगेटिव न्यूज तो नहीं है। ये तमाम चीजें आपको जरूर देखनी होगी बिफोर यू बाय अ स्टॉक और मे बी शॉर्ट अ स्टॉक, यानी होमवर्क तो आपको जरूर करना होगा। इनफैक्ट होमवर्क जरूर करना होगा, ये बात तो कर दी, लेकिन क्या वजह है सुनील? कई बार हम देखते हैं होमवर्क की यहां बात कर रहे हैं, अगर कोई होमवर्क करने की इंटेंशन भी रखता है, एडवाइजर्स को सुनता भी है, फाइनेंशियल एडवाइजर हो उसके या फिर किसी एनालिस्ट को सुन लेता है, लेकिन कुछ ऐसी ल्यूक्रेटिव चीजें हैं इस बाजार में जो आपको हर वक्त अपनी तरफ आकर्षित करती हैं, उन्हीं में से एक है इंट्राडे ट्रेडिंग। क्यों इतनी अच्छी लगती है इंट्राडे ट्रेडिंग, ये क्यों फंस जाते हैं न्यूबीज या फिर जो नए लोग हैं या फिर माने मंझे हुए खिलाड़ी भी कई बार इंट्राडे ट्रेडिंग में फंस जाते हैं, ऐसे क्या वजह होती है, इसको समझेंगे, क्या साइकोलॉजी उस पर काम कर रही होती है, लेकिन एक छोटे से ब्रेक के बाद। बने रहे आप, देखते रहे बाजार शास्त्र। एक बार फिर आपका स्वागत है, सुनील मेरे साथ बने हुए हैं और हम चर्चा ये कर रहे थे सुनील की, हम पहले डिस्कस कर चुके हैं इंट्राडे ट्रेडिंग, जो चीज बाद में आनी चाहिए वो पहले आती है। कई लोग, नए लोग मार्केट में उतरते हैं और इंट्राडे ट्रेडिंग में अपना हाथ आजमाना चाहते हैं, अट्रैक्शन बहुत सारी दिखती है, लेकिन फिर भी ऐसी साइकोलॉजी क्या काम कर रही होती है उसके पीछे, क्योंकि मुनाफा कम होता है और घाटा बहुत ज्यादा हो जाता है इंट्राडे ट्रेडर्स को अगर सही नॉलेज नहीं है तो। नहीं, बिल्कुल आपकी बात ठीक है, और नॉलेजेबल आदमी भी जो है जिनको थोड़ा वो समझ भी है उनको भी कोई मतलब श्योरिटी नहीं है कि उनको प्रॉफिट होगा। देखिए, इंट्राडे ट्रेडिंग ना बहुत छोटे छोटे मूव को कैच करने की तरह है, जैसे हम बात कर चुके हैं, आपने पूछा इसके पीछे क्या साइकोलॉजी काम करती है, क्या सोच काम करती है। एक्चुअली मैं आपके इसके लिए एक आपको छोटा सा स्टोरी सुनाता हूँ। एक बार एक नेता था, उसका डेथ हुआ तो ऊपर गया स्वर्ग नरक जहाँ होता है जैसे,
तो उसे पूछा गया आप कहाँ जाना चाहते हैं, स्वर्ग में जाना चाहते हैं कि नर्क में जाना चाहते हैं। उसने बोला अच्छा अगर मेरे पास चॉइस है तो मैं एक बार देखना चाहता हूँ। नेता था तो ऐसे तो फैसला कर नहीं सकता था। उसने कहा मैं दोनों देखूंगा एक बार, अगर मेरे पास चॉइस है तो। आपके पास चॉइस है आप देख लीजिए। एक आदमी को भेजा गया उनके साथ में, क्या आपको पहले स्वर्ग दिखाते हैं। उसको स्वर्ग दिखाया गया, उसने स्वर्ग देखा, उसने देखा बड़ा रुखा रुखा सा है, एकदम सादा, कुछ नहीं है वहाँ पे, सब शांति है, कोई न्यूज़पेपर नहीं छपता। किसी से पूछा न्यूज़पेपर, बोले कोई न्यूज़ ही नहीं है तो न्यूज़पेपर क्यों छपेगा, न्यूज़ है ही नहीं, सब ठीक है यहाँ पे, सब कुछ ठीक। देखा थोड़ा सा बोरिंग लगा, बोरिंग लगा उसको। देखा बड़ा फीका फीका सा है, एकदम बेकार, एकदम हमारे तो धरती पे जो मरता है हम कहते हैं स्वर्गवासी हुआ, ये तो बेकार जगह है, क्या करेंगे यहाँ आके। उसने बोला ठीक है एक बार मुझे नर्क भी दिखाइए आप, मैं वो भी देखूंगा फिर चॉइस करूंगा कहाँ जाना है। उसको नर्क दिखाया गया, नर्क लेके गए तो वहाँ उसका गेट खुला, वहाँ का जो हेड था दरबान उसने गेट खोला, वो अंदर गए, देखा उन्होंने बहुत अच्छा एकदम पूरा चांदनी हुई है, पूरे बार खुले हुए हैं, वहाँ पे डांस हो रहे हैं और पूरा क्लब बने हुए हैं, 20 न्यूज़पेपर छपते हैं, खूब खून हो रहा है, कत्ल। उसको तो लगा मैं बिल्कुल जैसे नीचे था वैसे आ गया हूँ, एकदम नीचे जो छोड़ के आया हूँ पूरी मेट्रोपॉलिटन सिटीज के, पूरी वैसे ही एकदम वैसे आ गया हूँ मैं यहाँ पे। देखा ये है आने लायक जगह, बताइए आप मुझे कहाँ भेज रहे थे, अगर मैं चुनता नहीं तो मैं तो फंस जाता गलत जगह। बोला देखिए आप, आपके सामने आप, बताइए कौन सा चॉइस करें। कहना मैं यही चॉइस करूंगा, मैं यही लूंगा, मैं यहीं पे रुकना चाहता हूँ। उन्होंने कहा ठीक है, जो छोड़ने आए थे उनको, उन्होंने कहा आप जाइए, वो चले गए। उसके बाद जो दरबान था उन्होंने गेट बंद किया, एकदम गेट बंद करते ही सारा सीन चेंज हो गया। तो यानी जैसे मूवी में आप देखते हैं सीन एकदम चेंज हो जाता है, एकदम सीन चेंज हो गया, सब क्लब गायब हो गए, सब कुछ गायब हो गया, हर चीज गायब हो गई, और कोई उसे मार रहा है, कोई पीट रहा है, कोई उसके बाल नोच रहा है, कोई कह रहा है इसे यहाँ जला दो वहां जला दो। वो बोले क्या हो गया, अभी सब ठीक था, अभी सब कुछ ठीक था, एकदम क्या हो गया। वो बोला वो विजिटर्स के लिए हमने बना रखा था, विजिटर्स के लिए बना रखा था, सिर्फ एक शो विंडो थी, वो शो विंडो थी। जिंदगी के हमारी लाइफ के जितने खराब चीजें हैं उनका स्टार्टिंग फेज जो है विजिटर्स के लिए होता है, वो आपको अट्रैक्ट करता है। वो बोला कि आपने एक बार चुन लिया, अब आप यहाँ के निवासी हो गए, अब आप मजा देखिए, नर्क अब शुरू होगा। एक्चुअली ऐसे ही हमारी लाइफ में भी बहुत सारी चीजें हैं जो ठीक नहीं है, उनका स्टार्टिंग फेज जो है विजिटर्स के लिए है। आप उसको देखते हैं और वो आपको अट्रैक्ट करती हैं अपनी तरफ और वो फंस जाते हैं। यानी ऐसी इंट्राडे ट्रेडिंग भी है, आपको इनिशियली लगता है कि शायद मुझे एक स्टॉक जिसकी डिलीवरी नहीं ले जानी होगी आज खरीदूंगा और शाम को काट के चला जाऊंगा, 2000 लगाऊंगा और शायद 20,000 का माल ले लूंगा। बिल्कुल अट्रैक्शन है, इसीलिए लोग फंसते हैं उसके अंदर। अट्रैक्शन यही है कि रात का रिस्क भी नहीं लेना पड़ेगा, 20,000 लगा के 2,00,000 का माल मिल जाएगा, 2,000 प्रॉफिट आएगा, 3,000 कमा के छोड़ जाऊंगा, अगले दिन फिर आऊंगा, रोज एक नया ट्रेड चुनूंगा, नई नई एडवेंचर। वो वीडियो गेम की तरह है, आप कॉइन डालते हैं, गेम खेलते हैं, बाहर आ जाते हैं, कभी कॉइन चला जाता है, कभी कॉइन बाहर आ जाता है। वीडियो गेम नहीं है ये मार्केट, ये सीरियस बिजनेस है। सीरियस बिजनेस को सीरियस बिजनेस की तरह करना होता है। इंट्राडे हम लोग भी करते हैं, अच्छे ट्रेडर भी करते हैं जो करते हैं, लेकिन वो पार्ट है उनकी पूरी ट्रेडिंग का, उस पर डिपेंड नहीं है वो। वो ये नहीं कि सुबह से शाम तक सिर्फ इंट्राडे ट्रेडिंग कर रहे हैं, वो एक पार्ट है, 10-15% का पार्ट है कि ठीक है एक ट्रेड करना है, वो भी समझ के साथ। तो इंट्राडे ट्रेडिंग में लोग फंसते इसीलिए कि उसका स्टार्टिंग स्टेज जो है वो उन्हें अट्रैक्ट करता है। जो भी सस्ती चीज होगी वो चमकदार होगी, याद रखिए। जहां भी चमक दिखे सोचिए, आपको मालूम चल जाना चाहिए कि कोई सस्तापन है इसके अंदर। हल्की चीजें, अच्छी जो चीजें नहीं है वो उनमें अट्रैक्ट करने की एक खासियत होती है, क्योंकि अगर उनमें अट्रैक्ट करने की खासियत भी नहीं होगी तो उनमें आप जाएंगे कैसे, क्योंकि वो पहले ही खराब है। तो साइकोलॉजी या सोच ये होती है क्योंकि वो ल्योरिंग लगती है आपको, चमकदार लगती है, सस्ती चीज है, इसलिए आप उसमें फंस जाते हैं। और ये ना भूलें कि एवरीथिंग कम्स एट अ कॉस्ट, यहाँ पर आपको एक कॉस्ट अदा करके जानी होती है। अगर आप इसमें माहिर नहीं है तो आप फंस भी सकते हैं इस चीज में, ये सोच काम करती है। इसीलिए इंट्राडे ट्रेडिंग के लिए कहा जाता है कि जो नए लोग हैं या फिर जो मंझे हुए हैं, जो इस खेल के धुरंधर हैं, वही इसमें हाथ आजमाते हैं और हर बार वो भी शायद सक्सेसफुल नहीं हो पाते हैं। इसलिए बहुत सोच समझ कर इंट्राडे ट्रेडिंग करनी चाहिए। वाकई बहुत अच्छे एग्जाम्पल से सुनील ने हमें समझाया कि क्यों हमें इंट्राडे ट्रेडिंग से थोड़ा कॉन्शियस हो जाना चाहिए। उम्मीद है आपको भी हमारे इस शो से जुड़े तमाम ये कॉन्सेप्ट जो हमने डिस्कस किया है वो पसंद आए होंगे। लेकिन अगर आपका कोई फीडबैक, कोई सजेशन या फिर कोई क्वेरी जो आप हमसे पूछना चाहते हैं, सुनील से किसी कॉन्सेप्ट को समझना चाहते हैं सिंप्लीफाइड वे में, यही कोशिश है हमारे इस शो की, सिंप्लीफाइड वे में आप समझना चाहते हैं, तो आप हमें ईमेल कर सकते हैं bazaarshastra@znetwork.com पर। लेकिन अपनी पूरी कॉन्टैक्ट डिटेल्स जरूर लिखें। इसी के साथ दीजिए इजाजत, अगले हफ्ते फिर होंगे हाजिर कुछ और नए और मजेदार कॉन्सेप्ट के साथ। नमस्कार। कई बार हम सुनते हैं इस तरह के अधूरे टाइप के एक्सपर्ट है जो बोलते हैं कि 2% का स्टॉप लॉस लगा लीजिए, 1% का स्टॉप लॉस लगा लीजिए।
उन लोगों को एक्चुअली पूरी समझ नहीं है। यानी अगर आपकी 500 रुपए की बाय प्राइस है किसी स्टॉक की, उसका 1% नीचे लगा लीजिए, यानी 5 रुपए नीचे,